अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हम जो है सुबह सवेरे आ गए हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे करने वाली हूँ पैरासेलिंग, और उससे पहले मैंने करना है एक ज़बरदस्त सा, देसी किस्म का तो नहीं कह सकते लेकिन चलें जी गुजारे लायक जो है यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और वो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या खाना है, और मेरा बड़ा दिल था वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे हफ्सा के जो हेयर स्टाइल है उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया है और ये बना दिया है हफ्सा को। और अब आ गए हैं खाने में। तो यहाँ पे हमने चिकन स्ट्रिप्स, नगेट्स और साथ में है चिकन फ्राइड राइस, और ये है मेरे झींगे। तो मैं जो हूँ ये सब चीज़ें खाने वाली हूँ और फिर उसके बाद चलती हूँ कहाँ पे। मैंने पेट भर के झींगे खाए हैं। वैसे भी मैं जो हूँ सी फूड लवर हूँ, मुझे मछली झींगे बहुत पसंद है। और अब जो है मैं आ गई हूँ अपने उड़ान के लिए। सो अभी जो है मैं कुछ ही टाइम में उड़ जाऊँगी आसमान पे। सो यहाँ पे जो है मुझे इतना मज़ा आया है, नीचे समंदर, ऊपर आसमान, और बीच में मैं बिल्कुल आज़ाद, कोई भी मेरे बेल्ट सीट कुछ नहीं, और मैं जो हूँ खुले हाथ अपने खोल के और उड़ रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया है सीरियसली, जो बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा था सफ़र मेरा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैं जो हूँ हाथों को मैंने खोला हुआ था और टांगों को मैं चला रही थी जैसे मैं उड़ रही हूँ, चल रही हूँ समंदर के ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका मैं आपको बताती हूँ कितना है प्राइस है इसका, जो है आपको एक बंदे का 1000 है, और अगर आपके साथ बच्चा है तो आप 1200 के करीब आप इसमें बच्चे के साथ आप उड़ सकते हैं। लेकिन ये था कि हसन ने मना कर दिया था हफ्सा को, और अरीश तो छोटी है, तो इसलिए हमने यही किया कि मेरे मियाँ ने कहा तुम ही उड़ो अकेली और बच्चों को ना लेके उड़ो। तो ये हुआ कि मैं अकेली उड़ती हुई जा रही हूँ, और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है सीरियसली। और मुझे थोड़ा सा वो भी था कि हफ्सा का थोड़ा सा मुंह तर गया था कि उसको भी यहाँ पे उड़ना था, लेकिन बच्चों को जो है इन चीज़ों से दूर रखें वो ही बेहतर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि हादसा कभी बता के नहीं आता है। खुदा ना खास्ता बेल्ट टूट जाए और समंदर पे या मिट्टी में गिर जाए तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। उनका नाराज़ होना, उनका खफा होना वो बेहतर है अभी के लिए। सो ये है कि मैं जो हूँ अभी अकेले उड़ रही हूँ, और फिर मैंने हसन को भी कहा है कि आप भी जाइएगा। तो अभी देखती हूँ उतरने के बाद क्या हसन ने सोचा है, उसको मज़ा आया है सिर्फ देखने में ही, तो फिर उसके बाद मैं बताऊँगी। और अभी जो है मेरी लैंडिंग होने वाली है हवा में उड़ते उड़ते, अब देखते हैं। चलें जी मैं तो उतर आई हूँ, और अब जो है हसन की बारी है। अब हसन जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, और मैं जो हूँ अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।